नमस्कार दोस्तों, ज्योति न्यू टीम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कोई भी रेसिपी बना के नहीं दिखाने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, हमारे घर पे कुछ पुराने फ़ोटो एल्बम है वही दिखाऊँगी, और इसमें मेरे अंकल जी का भी फ़ोटो है वो भी दिखाऊँगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाना शुरू करते हैं एक एक पीक। तो देखिए, हमने ये सब एल्बम लिया हुआ है, एक दो तीन चार एल्बम है। तो दोस्तों, बहुत ही पुरानी कम से कम 10-12 साल पुरानी एल्बम है। तो सारे फोटो एक एक करके हम आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ। ये एल्बम जो है कि मेरे दादा और दादी का है। तो देखिए, ये जो है कि हमारे दादा है और ये हमारी दादी, जो कि जब बाहर गए हुए थे, 2014 का पिक है सारे। देखिए, इसमें लिखा भी है। तो हमारे दादा दादी गए थे घूमने, तब का है ये। देखिए, इसमें सारे आप लोगों को दादा दादी के पिक मिलेंगे। देखिए, और दादा जो है कि कैप लगाए हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इधर पे दादी लगा ली हैं। ये देखिए, सारे पिक काफी अच्छे लग रहे हैं। ये हमारी आंटी हैं और ये अंकल, बहुत ही अच्छे अच्छे पिक हैं दादा दादी और अंकल और मेरे आंटी के। एक और अंकल ही है, अंकल हैं ये। ये देखिए, दादी जो है कि ये हमारी सबसे छोटी ननद है। तो जब पैदा हुई थी तब दादी दादा गए थे मिलने। इधर पे भी है, ये देखिए 2014 की पिक है सारे। तो देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे लग रहे हैं। देखिए, यहाँ से जो है कि राखी जाता है जब अंकल के पास, तो उस समय दादी वहाँ पे थी, तो अंकल को राखी बांध दे रही हैं बुआ लोग का जो है कि संती। एक एक अन्या बहुत ही छोटी सी है। ये दादा आटा गूंथ रहे हैं। ये देखिए, शॉपिंग करने गए हैं। ये देखिए, इसमें कुछ पुराने फोटो हैं जो कि इसमें से हम दो लोग को पहचान रहे हैं। ये देखिए, हमारे दादा हैं और ये पापा हैं, ये अंकल हैं। ये देखिए, हमारे दादाजी की फोटो, नेता लग रहे हैं। अब चलिए, और भी एल्बम हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो हो गया एक। तो ये हमारे जो है कि देवर के स्कूल का फोटो है। तो इसमें बस मैं अपने छोटे देवर को पहचान रही हूँ, इधर पे हैं, और किसी को भी नहीं पहचान रही हूँ। और लग रहा है इसमें जो है कि हमारे देवर के दोस्त हैं ये, और जो है कि बड़े वाले देवर को हम नहीं पहचान रहे हैं इसमें। तो एक ये हो गई, इसे भी हम रख देते हैं साइड पे, और भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, ये पुरानी एल्बम है। ये हमारे अंकल हैं और उनके जो है कि ये सब दोस्त हैं। हमारे अंकल जो है कि फ़ोटो के बहुत ही शौकीन थे। ये देखिए, इसमें जो है कि हमारे अंकल इधर हैं, और सबको तो हम नहीं जानते हैं। अरे जो है कि हमारे अंकल के कॉलेज का पिक है, सारे उनके दोस्त हैं। देखिए, इधर पे अलविदा लिखा भी है, शायद फ्रेशर पार्टी का हो जब विदाई होती है कॉलेज से। ये पिक जो है कि हमारे जो बड़ी वाली बुआ हैं उनके बेटे हैं बड़े वाले, और ये हमारे सबसे छोटे वाले देवर हैं। ये देखिए, ये अंकल जी का फ़ोटो है, जो कि अंकल जी टमाटर खरीद रहे हैं। तो इसमें अधिकतर आप लोगों को अंकल के ही पिक मिलेंगे, जो कि अंकल जी जब बाहर पढ़ रहे थे तब का है। और कहाँ का सीन है ये सब, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और इधर पे भी अंकल बैठे हुए हैं। अरे देखिए, ये हमारी जो है कि छोटी वाली आंटी हैं, जब उनकी न्यूनी शादी हुई थी तब का है। और ये जो है कि हमारी बड़ी वाली आंटी हैं, और ये तो हम नहीं पहचान रहे हैं। और ये हमारी दादी हैं। ये अंकल जी का लग रहा है लाइफ का पीक है, सारे इसमें अंकल के ही पीक हैं, अंकल और उनके दोस्त हैं। ये देखिए, इधर पे गाना गा रहे हैं अंकल जी, हो सकता है गाना गा रहे हों कोई भी, या तो स्पीच वगैरह दे रहे होंगे। ये पिक देखिए, इसमें से निकल गया है, आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, चलिए इसे हम साइड कर देते हैं। अरे देखिए, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ का सीन है, हमारे अंकल जी कहाँ कहाँ घूमे हुए हैं। ये देखिए, ये भी हमारे देवर हैं और ये भी हमारे देवर ही हैं। ऐसे डांस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अंकल जी को हमारे इनाम मिल रहा है। आप लोग कमेंट भी मुझे किए हुए थे जब हमारा बुलेट का वीडियो छूटा था दोस्तों, कि अंकल जी को दिखाइए। ये देखिए, इधर पे डांस हो रही है। ये पिक, ये इसमें जो है दोस्तों, एल्बम में हम सारे अंकल जी का पिक है, तो हम आप लोगों को बहुत ही जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो है कि अंकल हैं और उनके दोस्त हैं। ये बुआ जी हैं, कौन सी बुआ आप लोगों को बता भी देते हैं, जियो जिंदगी पूनम जो है कि वो हैं। तो जब अंकल लखनऊ पढ़ते थे तो बुआ जो है कि लखनऊ में ही रहती हैं, तो एक साथ पढ़ाई करते थे उस समय। ये देखिए, इधर पे भी हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ विकास जी का पिक। ये देखिए, ये विकास जी हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये पिक आप लोगों को कैसा लगा। तो ये विकास जी हैं, ये हमारे एक बगल के भैया हैं जो कि जेठ हैं। और ये देखिए, हमारा घर जो है कि पहले ऐसा था इस तरीके से। ये है हमारे बड़े वाले देवर, ये बड़े वाली बुआ के लड़के, ये हमारे छोटे वाले देवर। और भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है जो कि हमारी ननद, ए देवर। ये देखिए, ये जो है कि हमारे देवर लोग हैं। इसमें काफ़ी लोग हैं जो कि मैं नहीं पहचान पा रही हूँ, बस ये हमारे जो है कि छोटे वाले देवर हैं, इन्हें पहचान रही हूँ। और इसमें से जो है कि हम पहचान रहे हैं, ये हमारे ससुर जी हैं, और ये एक जेठ हैं हमारे, और ये भी जेठ हैं। ये देखिए, ये सबसे अच्छी पिक जो कि हमारे अंकल जी की तिलक चढ़ रही है, तब का पिक है ये। ये पिक जो है कि ये इधर पे, मतलब हमारी मम्मी जी बताई हुई हैं कि हमारे दादा की बहन है, और अंकल के तिलक में जो है कि तिलक के दिन आटे गुथे जा रहे हैं। ये देखिए, ये अंकल जी की शादी की पिक है। अंकल जी हैं, ये बड़ी वाली बुआ हैं, और ये जो है कि दूसरे नंबर वाली बुआ हैं। तो देखिए, दूसरा एल्बम भी हम आप लोगों को दिखा चुके हैं। अब सबसे अच्छा हम एल्बम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। नमस्ते। तो दोस्तों, आनवी जो कि अब बड़ी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं, पानी से बहुत ही ज़्यादा खेलती हैं, और इधर उधर बहुत ज़्यादा भागती हैं। हम लोग छत पे बैठे हैं, सोचिए छत पे अपने से भी चली आई है। मैं आप लोगों को तीसरा एल्बम दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये दादा दादी का पिक है। जब दादा दादी अंकल के पास गए हुए थे तो काफी घूमे हुए थे। ये आंटी, ये कौन है? दादा। और ये ए, ए? ए, ए कौन है? ये दादा है, ये कौन है? दादी है ना। अरे देखिए, ये क्या है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। दादी 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 कहाँ है? दादी कहाँ है बताओ, दिखाओ कहाँ है दादी, उंगली रखो। ये कौन है? दादी। ए दादी है, ए दादा है, ए दादा है। देखिए, ज्योति क्या करे, कहाँ ले जा रहे हो मुझे, कहाँ चले, कहाँ?
तो कौन कौन मेरे अंकल को पहचान रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये देखिए तीसरा एल्बम भी हम आप लोगों को दिखा दिए हैं। ये देखिए आप लोगों को दिखाते हैं, ये जो है कि मम्मी जी के शादी का पिक है। जब दुल्हन उतरती है तो काफ़ी भीड़ होती है। ये देखिए पहले इस तरीके से शादी होती थी, दूल्हे जो किस तरीके से पीले पीले पूरे पहने हुए रहते थे, ऐसे ही स्टेज होता था। ये देखिए इस तरीके से। तो सबसे अच्छा पिक हम आप लोगों को ये दिखाते हैं। सबका पहुंच जाती है, नहीं हमें नहीं चाहिए, अपना जान लो, चलो आओ जी। ये हमारे जो है कि छोटे वाले फूफा जी हैं, जो कि उषा विलेज फूड जो चैनल है, बुआ जी उनके हस्बैंड मेरे छोटे वाले फूफा जी। ये देखिए ये अंकल जी का पिक, जो कि ये सूरजमुखी का पेड़ है। ये देखिए ये अंकल जी जो है कि प्रतियोगिता में भाग लिए हुए हैं, डांस कर रहे हैं। ये देखिए फूफा जी, शादी का उनका पिक है, छोटे वाले फूफा जी, जो कि अभी आप लोगों को हम दिखाएं। ये देखिए कितनी पुरानी पिक है ये, इसमें हम जो है कि बुआ जी लोग हैं। ये देखिए ये जो है कि उषा बुआ हैं, छोटी वाली बुआ, जो कि दूसरे नंबर वाली बुआ, ये बड़ी वाली बुआ। ये फोटो आप लोगों को दिखा देती हूँ, अगर आप लोग पहचान रहे हों तो कमेंट में ज़रूर बताएँ, तब से गेस करते रहिए आप लोग। तो हम आप लोगों को बता दें कौन है, ये है उषा बुआ जी। ये देखिए पहले बुआ जी इस तरीके से पतली सी थी, ये देखिए दो चोटी बांधी हुई हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। ऐसे उनकी जो बेटी है वो भी इसी तरीके से इस टाइम दिखती है। ये देखिए ये जो है कि हाँ जो है कि दूसरे नंबर वाली जो बुआ है उनके बेटा है ये। आइए अब हम आप लोगों को दिखाते हैं सबसे पुरानी फ़ोटो अपने सासू अम्मा की। ये देखिए जो कि बुआ जी का सूट पहनी हुई है, देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। ये देखिए मम्मी पापा एक साथ फोटो खिंचाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए ये मम्मी जी जो है कि बर्तन धुल रही थी, तब अंकल जी जो है कि चोरी से खींचे हुए थे, उनका पिक है ये। ये देखिए ये भी बुआ जी का पिक है, उषा बुआ जी का। ये देखिए ये सबसे पुराना पिक है, अंकल जी आए हुए थे, सब उन्हें मीठा खिला रहे हैं। ये मम्मी है क्या? ये देखिए ये बुआ लोग बैठी हुई हैं, छोटी छोटी हैं, तब का पिक है ये। क्या हमारे घर में जो है कि बहुत ही पुरानी पिक थी, तो हमने सोचा आप लोगों को भी हम दिखा दें। तो दोस्तों हमारे जो है कि शादी का एल्बम का भी हम शादी का एल्बम भी बना हुआ है, जो कि हम आप लोगों को दिखाएँगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे फिर। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोग जो है कि जाते जाते कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन हमारे अंकल जी को पहचानता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, हो सकता है आप जानते भी हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। नमस्ते करो बेटा, नमस्ते बाय। देखिए आने जो है कि काफ़ी खुश सीख गई है, वीडियो हम बनाते हैं देखते देखते, जब कैमरा देखेंगी तो ज़रूर आ जाएंगी कैमरे के पास बाय बाय करने, नमस्ते करने ना बेटा। नमस्ते नमस्ते, बहुत नटखट हो गई है बोल। तो दोस्तों जाते जाते आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देती हूँ। ये देखिए ये है जो कि हमारे यहाँ बहुत ही पुराने सिक्के हैं, और कई देश के हैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो काफ़ी ढेर सारे हैं, हम आप लोगों को भी अलग से दिखाएंगे। हमारे घर के पुराने खजाने हैं। ये है हमारे यहाँ कुछ पुराने खजाने, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आप लोगों को इसका अलग से वीडियो बना के दिखाएंगे।